हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ टोफू टिक्का की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनता है विदाउट ऑयल, क्योंकि मैं इसे एयर फ्रायर में बनाऊंगी। आप चाहें तो इसे फ्राई पैन पर भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं। मैं इसे एयर फ्रायर में बनाऊंगी। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ बेल पेपर ली है, रेड, येलो, ग्रीन, ऑनियन मैंने इस तरह से सबको कट कर लिया है, देखिए इस तरह से पीसेस में। अब मैं टोफू को कट करूंगी। स्लाइस में कट कर लूंगी मैं टोफू को। देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हम मसाला तैयार करते हैं। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, लेमन जूस, पेपरिका, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ड्राई पार्सले। अगर आपके पास पार्सले नहीं है तो आप कोरिएंडर लीफ डाल सकते हैं, क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट, पिंच ऑफ टर्मरिक, चिली फ्लेक्स, चिकपी फ्लावर, बेसन। मिक्स कर लेंगे इसको। इसमें मैं 2 टेबल स्पून वाटर डाल दूंगी। देखिए मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स और टोफू डाल देंगे। मैं टोफू डाल दूंगी मसाले में। मसाला सब पर लग जाना चाहिए अच्छे से। इसी में मैं वेजिटेबल डाल दूंगी। धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे हम इसको। धीरे से करें क्योंकि टोफू टूट जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। देखिए मसाला लग गया सब पर। मैं इसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पर छोड़ूंगी, मसाला सेट हो जाएगा। 10 मिनट्स हो गए हैं। मैंने यहाँ स्क्यूबर ली है बैम्बू, मैं इसमें लगाऊंगी बेल पेपर।
इसी तरह से मैं सब कर लूंगी। देखिए मैंने टोफू को इसके ऊपर मैं लगा लिया है, स्टिक उठा के इसमें रख देंगे। यहाँ थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर देंगे, सेटिंग करेंगे इसकी 330 फ़ारेनहाइट पर हम इसे सेट कर रहे हैं 20 मिनट्स के लिए। मिनट्स हो गए हैं, चेक कर लेते हैं हमेशा। देखिए बनके तैयार हो गया है, इस पर थोड़ा सा फासले डाल देंगे ऊपर से, ड्राई फासले। इसे निकालेंगे आप, तो वो टिक्का बन के तैयार हो गया है। देखिए विदाउट ऑयल कितना अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।